नमस्ते दोस्तों, कंप्यूटर एग्जाम मास्टर के स्टडी चैनल में मैं रोशन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के सुपर 40 क्वेश्चन। दोस्तों, यह इस सीरीज का 16वां पार्ट है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस सीरीज के सारे पार्ट पूर्ण देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए थे? तो उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह गोविंद दास जी ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सम्राट बना था। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? कल्पक्कम में। कल्पक्कम तमिलनाडु राज्य में है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? भारत ने वर्ष 1928 में एमस्टरडम में हुए ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? वह है रीता फारिया। रीता फारिया जी ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। वह भारत में नहीं तो एशिया में फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरेंद्र सिंह न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय वायुसेना कितने कमानों में संगठित की गई है? भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित की गई है। गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोवा के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको हमें कमेंट कर बताना है सत्यपाल मलिक गोवा से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। बैडमिंटन प्रतियोगिता कोरिया ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बैडमिंटन प्रतियोगिता कोरिया ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब केटो मोमाटो ने जीता। केटो मोमाटा जापान देश के खिलाड़ी हैं। शाहीन 8 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान द्वारा किस देश के साथ किया गया? शाहीन 8 संयुक्त सैन्य का अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान द्वारा चीन देश के साथ किया गया। भारत की पहली महिला लाइट कमांडर कौन बनी? उत्तर है शालिजा धामी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? उत्तर है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। किस पूर्व फुटबॉलर ने 2019 यूईएफए प्रेसिडेंस अवार्ड जीता? उत्तर है एरिक कांतोना। ऑल ऑयल्स आर नोन एज विच ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन, यानी सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? उत्तर है हाइड्रोकार्बन।
विच इज द कन्वर्जन ऑफ स्वीट पोटैटो? उत्तर है रूट। शकरकंद किसका रूपांतर है? जड़ का। व्हाट इज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड? एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? उत्तर है एपो एंजाइम। ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच आर्टरी? मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? उत्तर है बैक्टीरियल धमनी, बैक्टीरियल आर्टरी। केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज? हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। हु इज द इन्वेंटर ऑफ कैलकुलस? इसाक न्यूटन। कैलकुलस के आविष्कारक है इसाक न्यूटन। द ब्लड पीएच वैल्यू इज मेनली मेंटेन बाय किडनी? रक्त का पीएच मान मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? उत्तर है गुर्दा। द मेन इंडिकेटर ऑफ सिगरेट स्मोकिंग? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। हु वॉज द फर्स्ट क्लासीफाई द एलिमेंट्स? तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? उत्तर है न्यूलैंड ने। विच विटामिन हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग? विटामिन के रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? उत्तर है विटामिन क। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और वहाँ की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। पेशवाओं के स्थापक कौन थे? पेशवाओं के स्थापक थे बालाजी विश्वनाथ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? उत्तर है 22। मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिजोरम के नए राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। भारतीय संविधान ने संशोधन का प्रस्ताव भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पांडिचेरी को 1956 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? उत्तर है भारतीय संसद को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? उत्तर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।